पाकिस्तान से आई सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। सीमा सचिन की लव स्टोरी से हटकर ऐसी कई बातें सामने आ रही हैं जिनकी वजह से सीमा हैदर को लेकर लगातार बात हो रही है। फिर चाहे वो सीमा हैदर को जॉब ऑफर होने की बात हो, उन्हें फिल्मों में काम मिलने की बात हो या राजनीति में एंट्री की। सीमा हैदर के भारत में चुनाव लड़ने को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि सीमा किस पार्टी से जुड़ सकती हैं, कौन सी पार्टी उसे टिकट देगी। सीमा के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने की बात भी सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि सीमा भारत की नागरिकता मिलने पर आरपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन इन सब अटकलों के बीच सीमा हैदर को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने साफ किया है कि उनकी पार्टी सीमा हैदर को कोई टिकट नहीं दे रही। सीमा हैदर को अगर कोई टिकट मिलेगा तो वो भारत से पाकिस्तान का टिकट होगा। सीमा हैदर से कोई हमारी पार्टी का संबंध नहीं है। सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया में आ गई और जो गेम है उस गेम में मतलब उनकी पहचान सचिन मीनाक्षी हो गई और वो इतने बच्चों को लेकर इधर आई है। मुझे लगता है कि यहाँ सुरक्षा एजेंसियां इंक्वायरी कर रही है। हमारे किशोर मासूम जी हमारे देवर गांव के मूल निवासी है और उसके बाजू में शायद वो सचिन मीना रहता था, तो उधर उन्होंने मतलब ऐसा मुंबई में मेरा बांदर में रहता है कि किशोर मासूम, उन्होंने मुझे भी बिना पूछकर इसी तरह का स्टेटमेंट दे दिया है। तो सीमा हैदर को पार्टी में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसके बारे में डाउटफुल स्थिति है। और उनको मतलब अगर टिकट देना ही है तो उनको इंडिया से उनको पाकिस्तान का टिकट हम देंगे, लेकिन यहाँ पार्टी का टिकट देने का सवाल नहीं। बता दें केवल राजनीति ही नहीं, सीमा के फिल्मों में काम को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। यहां तक कि उन्हें ऑफर मिलने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि सीमा और सचिन ने अपनी आर्थिक तंगी का जिक्र किया था, जिसके बाद उनकी मदद के लिए लोग हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और हाल ही में मेरठ के एक फिल्म प्रोड्यूसर ने सीमा और सचिन को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है।